अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज ये आपके साथ मैं जो है शेयर कर रही हूँ अपने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो मैं यूज़ करती हूँ डेली बेसिस पे, और जिससे मुझे यूज़ करते हुए कोई ये नहीं लगता कि मैंने अपना पैसे ज़ाया किए हैं, क्योंकि इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं कि आप जो है आराम से इसे बाय कर सकते हैं, इसे ले सकते हैं और डेली बेसिस पे यूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपकी ज़ाया हो। वैसे तो बहुत सारे जो हैं सनस्क्रीन हैं, बहुत सारे सीरम्स हैं, बहुत टेंट हैं, बहुत सारी हैंड फुट क्रीम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप लेते होंगे, लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं कि जब आप एक दफ़ा ले लोगे तो फिर आप बार बार लेने पर मजबूर हो जाओगे। तो जी, ऐसे ही मैं अपनी चीज़ों की तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, जब आप लोगे तो फिर आपको समझ में आएगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपसे। अच्छा जी, सबसे पहला प्रोडक्ट है हमारा डेपीडर्म। ये जो है एक मेडिकेटेड प्रोडक्ट है जो कि आप किसी अगर स्किन वाले डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको ज़रूर रिकमेंड करेंगे। मुझे भी उन्होंने की थी, और वैसे भी आप ले सकते हो क्योंकि ये जो है बालों की ग्रोथ को कम करता है और आपको जो है बहुत ज़्यादा अपर लिप्स चिन पर जो बालों का मसला होता है उसे जो है कम करता है काफ़ी हद तक। अगर आप थ्रेड वैक्स वगैरह करवाती हो तो उसके बाद अगर आप इसे अप्लाई कर लो रात में, दिन में, जब भी या उसी टाइम कर लो तो आपके बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और इससे जो है हेयर ग्रोथ कम होती है और स्किन भी ब्राइट होती है। जब जाहिर सी बात है आपकी स्किन ब्राइट होगी, हेयर ग्रोथ कम होगी, तो ये मकसद आपके लिए वर्ड बाइंग है, यानी कि आप एक दफ़ा ख़रीद लो। और इसकी ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, 1000-1100 रुपये के दरमियान में ही आ जाता है, जो कि अगर आप एक दफ़ा ख़रीद तो आपको महीना डेढ़ कहीं भी नहीं गया। तो मुझे ये काफ़ी मसला है, मैंने लेज़र के बाद भी इसे यूज़ किया है और थ्रेड वैक्स के बाद भी यूज़ करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ मेरी ग्रोथ अगर हफ्ते में आ रही है तो वहाँ 10 से 15 दिन कहीं नहीं गए। तो प्लीज़ यू विल ट्राई, आपको बहुत पसंद आएगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा जर्न फॉर्म का है स्पेक्ट्रा मैट। ये जो है बेसिकली सन ब्लॉक है और ऑयली एक्ने वाली स्किन जो होती है ना उसके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप ये यूज़ करते हो स्पेक्ट्रा मैट, यानी कि सन ब्लॉक सीबम वगैरह वालों के लिए होता है, तो आपकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी, ना आपको चिपचिप होगा, ना ऑयली फील होगा, आप बहुत लाइट फील करोगे। जिन लोगों को सन ब्लॉक अच्छा नहीं लगता है और वो ये कहते हैं कि इसमें वाइट कास्ट है, तो इसमें कोई वाइट कास्ट नहीं है, आप ये यूज़ कर सकते हो। इसमें लिखा हुआ है कि फॉर ऑयली एक्नी स्किन के लिए बना है ये, तो इसके भी प्राइस है तकरीबन 1400 के अराउंड है। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन आपका महीना डेट कहीं नहीं गया, आराम से आप इसे दिन में दो दफ़ा भी लगा सकते हो। वैसे तो हमें एक दफ़ा ही हम लगा लें सन ब्लॉक तो बेहतर है, लेकिन आप इसे दो दफ़ा भी लगा सकते हो, ये बहुत अच्छा है। और मेरा तीसरा प्रोडक्ट है हेयर केयर की रेंज में, यानी कि ये है सीरम मेथिक ऑयल। बेसिकली ये लॉरेल का मेथिक ऑयल है जिसकी फ्रिज हेयर होते हैं और बहुत रफ़ होते हैं, नहाने के बाद बम फटा जैसे लगता है बालों में, तो ये उसे कंट्रोल करता है। आप 1-2 ड्रॉप्स लेकर अपने हेयर्स पे अप्लाई कर लो और उसके बाद आराम से आप बड़े कॉम वाला जो कंघा होता है ना, मेरे मकसद है बड़े दांतों वाला कंघा, उसे आप लेकर अपने बालों को कॉम कर लो और आराम से सुलझ भी जाते हैं और बाल इतने सिल्की स्मूथ हो जाते हैं कि आपकी सोच है। ये सब मैं ऐसे ही नहीं कह रही, ये मेरे अपने ट्राई वाले प्रोडक्ट है जो मैं इसे बाय भी करती हूँ, यूज़ भी करती हूँ, तो ये उनमें से एक है जो मैं आपको ये बता रही हूँ। तो ये आप ले लो, ये तकरीबन 27-28 अराउंड के नज़दीक है, क्योंकि अब थोड़ी सी प्राइसेस बढ़ गई हैं। जब मैंने लिया था तो 2000 का था, इससे पहले जब मैंने लिया तो ये 1400 का था, लेकिन अब ये प्राइसेस बढ़ने के बाद जो है ये थोड़ा आपको एक्सपेंसिव मिलेगा, लेकिन ये बहुत अच्छा है। अच्छा, इसके बाद है FW ऑर्गेनिक का डार्लिंग टिंट। यह आपको ऑनलाइन ही मिलेगा वेबसाइट पे। FW के नाम से इसकी जो है प्रोडक्ट आते हैं, इस काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, इसमें शैम्पू, ऑयल, फेशियल का सामान वगैरह सब कुछ है। जब आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको पूरी की पूरी जो है वेबसाइट खुली मिलेगी। आजकल इस पर सेल लगी हुई है और मैंने भी सेल से ख़रीदा है। डियर डार्लिंग के नाम से ये टिंट है, बहुत प्यारा सा है, कोई स्ट्रेन नहीं छोड़ता और बहुत अच्छा है, नेचुरल लुक के लिए बहुत अच्छा है, जैसे यूनिवर्सिटी गोइंग, ऑफिस गोइंग, यहाँ तक कि हाउसवाइफ भी इसे यूज़ कर सकती हैं बिना झिझक।
ये बुरा नहीं लगता है, बहुत फ्रेश लुक देता है आपकी स्किन के ऊपर। आपने मॉइस्चराइज़र किया और टिंट लगा लिया, सनब्लॉक के बाद टिंट लगा लिया, तो यू आर रेडी टू गो। तो बहुत अच्छा है, आप लाजमी इससे जो है ट्राई कीजिएगा। मैं लिपस्टिक वगैरह ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, तो मैं मुझे एक अच्छे टिंट की तलाश थी जो कि मेरी ख़त्म हुई यहाँ आकर। तो बहुत अच्छा और बहुत कम लगता है आपका, ये अच्छा खासा जो है चलेगा। अच्छा जी, हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेकअप रेंज में, ये है मस्कारा मैबेलिन का, बहुत ज़बरदस्त है। फॉल्सेस लैश के नाम, लैश लिफ्ट के नाम से है ये, और लैश को बिल्कुल लिफ्ट कर देता है। इतना अच्छा इसका रिज़ल्ट है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और जो है ये जैसे कि बहुत सारे हैं मस्कारे, तो बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड के भी हैं, लॉरियल के हो गए और भी हो गए, लेकिन ये बहुत अच्छा है। इससे पहले मैं यूज़ करती थी, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो इंशाल्लाह जैसे ही आएगा तो मैं आपको बताऊँगी। वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा है। और मैंने ये ख़रीदा था 1000 का, नाहिद पे ऑफ थी तो मैंने ख़रीदा था, लेकिन अब ऑफ़ के बाद भी आपको 1400-1500 का मिलेगा। मेरा मकसद आप लोगों को महंगी चीज़ें बताना या महंगी चीज़ें दिखाना नहीं है, मेरा मकसद ये है कि अगर आप किसी अच्छी चीज़ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। मस्कारा सब यूज़ करते हैं, अच्छे से अच्छे की तलाश में भी रहते हैं, तो ये सबसे अच्छा है, आप ये यूज़ कर सकते हो बिना झिझक मेरी रिकमेंडेशन पे। अगर अच्छा ना लगे तो पैसे वापस, वैसे हमारी भी पैसों की बात तो नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मशवरा दे रही हूँ, कबूल ज़रूर कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त है ये, आपको हर स्टोर पर, हर कॉस्मेटिक स्टोर पर आराम से मिल जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारी स्विप हेयर स्टिक। ये इस तरह की है कि मतलब आप जो है एक दफ़ा लगा लो, जैसे बेबी हेयर्स होते हैं हमारे, हम बाल वगैरह कटिंग करवाते हैं, डाई करवाते हैं, उससे बाल बहुत रफ़ हो जाता है, तो फिर उस वजह से बालों में रफ़नेस होने की वजह से हमारे बेबी हेयर्स आना शुरू हो जाते हैं। हम कोई हेयर स्टाइल कैरी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, बाल एकदम बमफटा अजीब से लगते हैं, तो ये उसके लिए है। ये भी आपको ऑनलाइन ही मिलेगा, मैंने किसी स्टोर वगैरह पर अभी तक नहीं देखा है। और इसका एप्लीकेटर कितना अच्छा है, बिल्कुल मस्कारे की तरह आप इस तरह कॉम करते हुए अपने बालों को सीधा कर लो और बाल बिल्कुल सीधे, ना ये चिपचिप बाल करेगा, ना ये आपको बालों को ख़राब करेगा कि आपको लगे कि ये क्या भाई ऑयल वगैरह लगा लिया, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपके बालों को जस्ट स्ट्रेट करेगा। बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, इसका भी मैं आपको ऑनलाइन जो है वेबसाइट दे दूंगी, आप बाय कर लेना। और सबसे लास्ट हमारी है सईद गनी की हैंड एंड फुट क्रीम। फुट क्रीम बहुत सारी है, हैंड क्रीम बहुत सारी है, अच्छी से अच्छी है, महंगी से महंगी है, लेकिन ये बिल्कुल भी महंगी नहीं है। ये 300-400 के अराउंड है, आपको आउटलेट पे मिल जाएगी सईद गनी की, और आपको चेज़र इम्तियाज़ वगैरह हर जगह आपको अवेलेबल मिलेगी, तो ये बहुत अच्छी है। इसे मेरे कहने पर जितनी भी चीज़ें की आप मेरे कहने पे एक एक करके अगर बाय कर लेते हो, ट्राई कर लेते हो, तो मुझे ज़रूर बताना। ये इसके ऊपर एक लिड सी होती है प्लास्टिक की, जो कि मुझसे भी खुल नहीं रही है। ये देखें, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है, क्रीमी टेक्सचर है, यानी कि आप जैसे वेदर चेंज हो रहा है, सर्दियाँ आ रही हैं, तो उस हिसाब से ये बहुत ज़बरदस्त है। यानी कि आपको कम पैसों में इतना बड़ा जार मिल रहा है, और जार में ये नहीं कि क्वांटिटी ज़्यादा है, क्वांटिटी के साथ साथ इसका काम भी बहुत अच्छा है। ये आपकी स्किन को ब्राइट करेगा, लाइट करेगा, आपकी नीज जो होती हैं उनको जो है नकल्स को जो है ये ब्राइट करता है, उसमें जो ब्लैक ब्लैक होता है वो हटाता है, तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त है। ये आप ज़रूर लीजिएगा, इसे सर्दी में ज़रूर यूज़ कीजिएगा, और मुझे दुआएँ दीजिएगा। तो जी, ये बहुत ही अच्छा है, आपको हर जगह से मिल जाएगा, आप ज़रूर इसे बाय कीजिएगा। और ये सारे प्रोडक्ट्स वो थे जो मैंने यूज़ किए हैं, और मैं अब आपको इसका फीडबैक दे रही हूँ। तो जी, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर वीडियो आपको मिलती रहे और आप मेरे साथ जुड़े रहो, क्योंकि आप ना वीडियो को लाइक नहीं करते हो। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।